कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है। लॉकडाउन के 6 दिन आज बीतने को है और आने वाले 15 दिन बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बीच दिल्ली के निजामुद्दीन से आज बहुत बड़ी खबर आई है। यहां पुलिस ने 200 लोगों को क्वारंटाइन किया है, जिसमें से 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसी बीच कोरोना को लेकर केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें पूरे एक्शन में हैं। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया, वहीं नोएडा पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों की क्लास लगाते हुए नोएडा के डीएम पर विभागीय कार्रवाई की बात कह दी और देर शाम उसकी घोषणा भी हो गई। योगी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़े योद्धा बनकर सामने आए हैं। आज कोरोना पर सबसे बड़ी बहस में ऐसे ही कुछ योद्धाओं से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बकवास मत बंद करो अपना, ठीक है? बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। कोरोना से हो रही लड़ाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े योद्धा की तरह उभर कर सामने आए हैं। नोएडा में कोरोना के मामले बढ़े तो योगी ने सेनापति की तरह खुद आकर यहां कमान संभाल ली, हालात का जायजा लिया, साथ ही अफसरों को जमकर फटकार भी लगाई। बकवास मत बंद करो अपना, ठीक है? बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। योगी की इसी फटकार का नतीजा रहा कि नोएडा के डीएम ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और 3 महीने की छुट्टी मांगी। योगी कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायनों में सबसे बड़े योद्धा बनकर लड़ रहे हैं। जहां प्रदेश के मंत्री अपने घरों में कोरोना से बचाव कर रहे हैं, वहीं योगी ने मोर्चा संभाल रखा है। वो हर मोर्चे पर कोरोना से लड़ रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यहां तक कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए 611 करोड़ के पैकेज का ऐलान भी किया। लॉकडाउन के ऐलान के बाद जब उत्तर प्रदेश सीमा पर उत्तर प्रदेश बिहार और दूसरे राज्यों के मजदूर पलायन को मजबूर हुए तो योगी ने उनका दर्द भी समझा और बसों को लगाकर न सिर्फ उनके घर लौटने का बल्कि खाने पीने का इंतजाम भी कराया। योगी की तरह ही कोरोना को कई योद्धा अपने हौसले से पस्त कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जो अहमदाबाद से आई है। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की भी कोरोना वॉरियर है, जो कोरोना को अस्पताल में मात देकर आई है। कोरोना की इस लड़ाई में अक्षय कुमार से लेकर कई बड़े उद्योगपति और योग गुरु स्वामी रामदेव तक योद्धा बनकर सामने आए हैं। आज हम आपको कोरोना पर सबसे बड़े शो में इसी तरह के कुछ और योद्धाओं से मिलाएंगे। टीम न्यूज नेशन। तो देश ने कोरोना के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है और इस युद्ध के कई नायक हैं। उनमें से सबसे बड़े एक नायक है बाबा रामदेव, जो सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लेकिन स्वामी जी, मैं आपका कुछ और योद्धाओं से परिचय कराता हूं, जिनसे मैं आपके बाद बात करूंगा। वो योद्धा मैं आपको बता दूं, शिखा मल्होत्रा, जिनसे प्रधानमंत्री ने कल बात की थी। शिखा एक एक्ट्रेस हैं, इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा कर रखा है, इसीलिए ये वॉलेंटरी लेवल पर अब नर्स के तौर पर अपनी सेवा दे रही हैं, बहुत ही महान काम कर रही हैं। अनूप जलोटा जी, जो घर में खुद क्वारंटाइन है, देश के जाने माने गायक हैं, विदेश से लौटे हैं और उन्होंने अपनी ड्यूटी समझते हुए खुद क्वारंटाइन रहने का फैसला लिया। मेरे साथ हमारे उत्साह को, इन कर्मयोद्धाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए मेरे साथ मालिनी अवस्थी भी जुड़ी हुई है, जानी मानी फोक सिंगर। साथ ही साथ मेरे साथ रोहित बोरसे, डॉक्टर रोहित बोरसे, जिनसे प्रधानमंत्री ने कल बात की थी। ये भी कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, ये भी हमारे एक नायक हैं, ये भी हमारे एक योद्धा हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ रोहित दत्ता जुड़ेंगे, जो कि कोरोना सर्वाइवर हैं और वो भी हमारे एक बहुत बड़े योद्धा हैं। लेकिन स्वामी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा मैं। आपने 25 करोड़ देने की घोषणा की, साथ में 2 करोड़ रुपए पतंजलि के कर्मचारी सब दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा स्वामी जी, कि ये जो कोरोना के खिलाफ युद्ध है, जिसमें आप तमाम लोग नायक हैं इस युद्ध के, आप क्या कहते हैं अगले 15 दिन हमको किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए दीपक भाई, एक कोरोना का पेशेंट लगभग 2 सप्ताह के अंदर 1 लाख लोगों तक ये संक्रमण फैला सकता है। इसलिए आज यदि हमारे पास में 1000 पेशेंट हैं तो इनको 1 लाख होने में 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा, यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो। और अभी तो संभावित जो संक्रमण वाले रोगी, उनका पूरा टेस्ट ही नहीं हुआ है, इसलिए ये नाजुक स्टेज है। इसमें
हमें इस संक्रमण की चैन को तोड़ना है और जो संक्रमित लोग हैं उनको इस जंग को जीतना है, उनको हारना नहीं है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग करना है और एलोपैथी के साथ हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी संवाद में इस बात को रखा कि हमने ऐसी औषधियों की खोज की है पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ, जिसको हमारे यहाँ पर ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइकिल बोलते हैं। तो उसमें जो पहली स्टेज है उसमें हमने विथिनोन ये तत्व अश्वगंधा के अंदर और टीनोकार्टिसाइड ये हमने गिलोय के अंदर एक एक्टिव कंपोनेंट खोजा है जिससे हम कोरोना की जंग को लड़ सकते हैं आयुर्वेद के साथ। तो योग और आयुर्वेद के जरिए भी एलोपैथी के साथ साथ हम मृत्यु दरों को 99% घटा सकते हैं। तो ये मैं साथ में कहना चाहूंगा और एक बात और भी कहूंगा कि एक तरफ कोरोना की हमें जंग लड़नी है, दूसरी तरफ जो लोग भूख से, भय से और अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनके लिए भी अपना खाने में अपना कम खाएं। कम खाने से दुनिया में कोई मरा नहीं है, ज्यादा खाने से लोगों को मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर और तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। तो अपनी सेविंग करें, थोड़ा सेवा करें, झूठा खाना ना छोड़ें और मुट्ठी मुट्ठी भी दान करेंगे तो हम लाखों लोगों का पेट भर सकते हैं। पतंजलि ने कोई ये बढ़ाई के लिए 25 करोड़ दान नहीं किए, थोड़ा थोड़ा सब कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारे एक एक व्यक्ति ने जो है एक एक दिन का भी वेतन दिया पतंजलि के अलग इंस्टीट्यूशंस ने, रुचि सोया ने और हमारे आस्था संस्कार ने, तो ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो गया। ऐसे सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, सब तरह से देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा और कोरोना की जंग से देश को बचाना है। ठीक है गुरु स्वामी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आपने जिन दवाइयों का कहा कि अश्वगंधा में ऐसा तत्व है, तो आपको क्या लगता है आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो बढ़ाती है? और मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि अनूप जलोटा जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं वो बहुत योग करते हैं इसलिए उनकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था। हाँ ये सच है, मैं तो आपको करीब 2 दशकों से जानता हूँ अनूप जी को, मेरे मुंबई कैंप में भी 2004 में आप आए थे और कई प्रोग्रामों में कुंभ आदि में आते रहते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और उनकी जो प्राण शक्ति है वो बहुत ऊंची है, श्रेष्ठ है। तो योग से इम्यूनिटी बढ़ती है, इंस्टेंट भी बढ़ती है। मैंने लैब के अंदर सारे इक्विपमेंट लगा करके खुद के ऊपर ये प्रयोग किया हुआ है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और इंस्टेंट इनसे बेनिफिट होता है और साइड इफेक्ट नुकसान कुछ नहीं है। मैं किसी भी ढोंगा, डबर, पाखंड, अंधविश्वास का पोषक नहीं हूँ, मैं यज्ञ भी करता हूँ, योग भी करता हूँ, तो उसके साइंटिफिक तथ्यों के साथ करता हूँ, गुगुल के साथ, घी के साथ। जैसे हम और चीज़ों को सैनिटाइज करें तो एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करने का काम ये जो है हम यज्ञ से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें विज्ञान के तौर पर हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, किसी भी प्रकार का इसमें अंधविश्वास नहीं है। और यदि हम ऐसा स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से योग के साथ साथ आयुर्वेद से भी, चाहे वो गिलोय, तुलसी, कालमित, अदरक और हल्दी, इन 5 चीज़ों का काढ़ा तो मैंने सबको बताया। एक तो लाक्षणिक चिकित्सा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो कोरोना के कारण से जो हमारे लंग पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हार्ट पर, पूरे हमारे पेनक्रियाज पर, पूरे नर्वस सिस्टम पर जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं, साथ में सर्दी, जुकाम, कफ, ये सब होते हैं, इन चीज़ों से लड़ने के लिए हमने स्वासारी, गिलोय और अश्वगंधा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये सब चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती हैं और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करती हैं ये सब चीज़ें। और इसके पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस हमारे पास में है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी प्राणायाम के साथ साथ हमें अश्वगंधा का, गिलोय का, शिलाजीत का, च्यवनप्राश का, आंवले का, आंवले में विटामिन सी भी है, और जो है पानी, साफ पानी के ऊपर जो सीवाल जिसको बोलते हैं, उससे स्प्रिलिना नाम का कैप्सूल भी हमने बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमारी मदद करेंगी कोरोना से लड़ने के लिए। दीपक भाई, अमित जी, एक और योद्धा कोरोना सर्वाइवर मेरे साथ रोहित दत्ता है, उनके पास कहने के लिए काफी कुछ है, मैं उनसे भी आपकी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुछ ऐसे व्हाट्सएप वीडियो आए, खुद मेरी बहन ने मुझसे कहा कि स्वामी जी से जरूर पूछना कि 45 सेकंड अपनी सांस रोक कर देखिए, 1 मिनट आपकी सांस रोक कर देखिए, इससे इम्यूनिटी पता लग जाएगी। इसका क्या साइंटिफिक एविडेंस है स्वामी जी, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये मैंने पूरे देश को बताया कि भाई करोड़ों लोग तो अपना टेस्ट नहीं कर सकते,
तो ये सेल्फ टेस्टिंग की एक का एक मेथड है। सीधी सी बात है दीपक भाई, शरीर कभी भी झूठ नहीं बोलता। कोरोना का अटैक यदि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, फेफड़ों पर हुआ है, तो आप 45 सेकंड्स, वन मिनट आप ब्रेथ को होल्ड नहीं कर सकते। तो बिना किसी रुकावट के यदि आप 45 सेकंड्स से लेकर के एक मिनट तक ब्रेथ को होल्ड करते हैं, वैसे तो मैं तो दो मिनट तक होल्ड करता हूं, वैसे मेरी बायोलॉजिकल एज जो है मेरी जितनी है 50 है, तो मेरी 25 दिखती है, तो मैं तो दो मिनट तक होल्ड कर लूंगा, मेरा तो एक्सीलेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोरोना से क्योंकि फेफड़े पर अटैक होते ही उसके सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया वो कम हो जाती है। तो यदि कोई 45 सेकंड से लेकर के एक मिनट ब्रेथ को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब उसमें कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है। ये एकदम सिंपल टेस्ट है, कोई भी इसको कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये कोई गलतफहमी नहीं है। ये एक साइंस पर आधारित है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ऐसे मैंने कहा कि आपका जो ब्रेथ रेट है एक मिनट में यदि 60 से लेकर के 120 तक का है, आप ऐसे इसका मतलब आपका 60 से 120 तक ब्रेथ रेट है भस्त्रिका में या कपालभाति में, तो इसका आप रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका एकदम एक्सीलेंट है, आपको कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। तो ये एकदम साइंटिफिक बात है और इसके पीछे कारण है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना उसमें स्ट्रेंथ है। तो इसका मापने का एक ये वैज्ञानिक और बहुत व्यवहारिक तरीका है, कोई भी इसको अपना सकता है। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ योग के टिप्स भी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप कोरोना सर्वाइवर, कोरोना से लड़कर जीत कर आने वाले योद्धा रोहित दत्ता जी की बात सुने। मयूर विहार में रहते हैं, व्यवसायी हैं। रोहित जी, आप स्वामी जी से सीधे बात कर सकते हैं। स्वामी जी, आपको दंडवत प्रणाम और सबको जय हिंद। स्वामी जी, आपका एक वीडियो जो आपने कोरोना के पेशेंट्स के लिए बनाया था, कोई अंदाजन 1 घंटे 12 मिनट का वो था, जिसमें आपने बोला, जिसके अंदर आपने बोला कि आप ये आसन कीजिए और हवन कीजिए। मैं क्योंकि पहला पेशेंट था कोरोना का, मैं हवन तो अस्पताल में नहीं कर पाया, मगर मैंने योगा बहुत किया और आज अगर दवाई ने असर किया उतना ही असर योगा ने किया। मैं उसके लिए, उस वीडियो के लिए आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। रोहित जी ने आप तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन स्वामी जी मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगा, ये एक आई विटनेस केस है, मुझे नहीं पता था। तो रोहित, क्या प्रैक्टिस किया आपने रोहित भाई जी, बात करिए। सब मैंने एक्चुअली, मेरे में हिम्मत सिर्फ प्राणायाम करने की थी और आपने जैसे बताया, मैं 45 सेकंड अपनी सांस होल्ड नहीं कर पा रहा था, मगर मैं रोज योगा करता जी। मैंने अनुलोम विलोम किया, मैंने सबसे पहले ओम का उच्चारण किया था, मैंने उज्जयी किया, भ्रामरी किया, भस्त्रिका किया और एक कपाल भारती तो मैं करता ही हूं और वो रोज बढ़ाता गया। मैं कपाल भारती मैंने 50 से शुरू करी और मैं 300 तक पहुंच गया। जी जी, तो महाराज जी, स्वामी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, चूंकि रोहित जी एक एक सर्वाइवर हैं, उन्होंने बड़े तो योद्धा की तरह अपनी बात कितने दिन में नेगेटिव से दीपक भाई जी, कितने दिन में नेगेटिव से, कितने पॉजिटिव से नेगेटिव होने में कितना वक्त लगा आपको? 9 दिनों में नेगेटिव आ गया सब, सब अंदाजन 9 दिन। क्या बात है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं 9 दिन, दीपक भाई एक चीज और शेयर करता हूं, हमारे एक अभिषेक है जो ग्वालियर में, मैं चाहूंगा कल उनको अभी आप एक पूरा जो है इंटरव्यू आप जो है टेलीकास्ट करें न्यूज नेशन के माध्यम से, नेशन के सामने। उसने 7 दिन के अंदर ही, जैसे भाई ने बताया, ऐसे ही प्राणायाम करके 7 दिन में ही वो जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हुए। तो ये इतना उत्साहजनक चीज है कि ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एलोपैथी में लोग अडॉप्ट कर रहे हैं वो भी सिम्टोमेटिक ही है, यदि उसके साथ योग करके और इस जंग को जीतते हैं। वो जवान थे। और रोहित भाई, आपकी उम्र कितनी है रोहित दत्ता जी? 45 साल है जी, 45। ठीक है स्वामी जी, मैं अब चाहूंगा कि जो इन्होंने प्रैक्टिस किया है उसका डेमो दिखा दें, ताकि लोग अपनी इम्यूनिटी को, हमारे पास अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वो कर पाए। स्वामी जी, आपसे रिक्वेस्ट है।
फिर मैं अनूप जी के पास ले चलता हूं आप। जरूर मैं चाहूंगा, जैसे मैंने कहा और रोहित जी ने भी कहा, तो मैं रोहित जी आप भी मेरे साथ साथ टीवी पे करते रहना, क्योंकि लोगों को हमें हौसला देना है इस जंग को लड़ने के लिए। और मोदी जी ने भी आज हमसे सारे धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं से बात करते हुए कहा कि लोगों को हौसला दीजिए, जो कई तरह के अंधविश्वास है उसको मिटाइए और लोगों का विश्वास बढ़ाइए। तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ ये भस्त्रिका जो आप कर रहे थे हॉस्पिटल में, और कोई भी कर सकते हैं, तो लोग अपने रिलेटिव जो आज हजारों इस जंग को लड़ रहे हैं उनको सजेशन देंगे तो हॉस्पिटल्स में योग कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये एक तो भस्त्रिका हो गया, लंबा श्वास लेना और छोड़ना जितना जिससे बन पाए, और दूसरा कपालभाति है जिसको अभी इन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके और उसको 300 तक लेके गए। और तीसरा अनुलोम विलोम, जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस, हार्ट, ब्लड प्रेशर सबको कंट्रोल करता है। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, और जिसको उज्जाई कह रहे थे गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है, थ्रोट इन्फेक्शन आदि को और सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए गले को टाइट करके ब्रेथ को इनहेल करना और फिर होल्ड करके रखना थोड़ी देर, ऐसे जिससे जितना बन पाए होल्ड करना, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना, फिर भ्रामरी श्वास भर के कान बंद करके मुख भी बंद करके ओंकार का नाद नासिका से, और फिर उद्गीत ओ, ये छह ब्रीदिंग ठीक है स्वामी जी हो गई। तो मेरे साथ रोहित दत्ता जी भी कर रहे हैं, बिल्कुल। और रोहित जी मैं एक बात लास्ट आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जब पहले दिन जब उनका ब्रेथ का होल्ड करने का कैपेसिटी कितना था और कितने दिन उनका वो अभ्यास करने से फिर वो कितना बढ़ गया था, ये एक लास्ट बात जरूर बोलेंगे एक बार रोहित जी। मैं आपको थोड़ा गलत बोल गया स्वामी जी, मैंने 2 तारीख को शुरू किया, मेरे को भी 7 ही दिन लगे, 9 तारीख को मेरी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, और मुझे रोज प्रतिदिन 10% की इंप्रूवमेंट अपने शरीर में दिखती थी, फील होती थी जी। ठीक है स्वामी जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए पॉज दूंगा, मुझे पता है आप दिन में कम से कम 18 से 20 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, इसलिए अनूप जी आज एक शुरुआत करूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं अनूप जी, अगर केशवम सुंदरम हो जाए और मान लीजिए आपकी तरफ से भगवान को याद करते हुए, खुदा को याद करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए कुछ 2 पंक्तियां हो जाए, फिर हमको एक ब्रेक पे जाना है, फिर आकर हम कर्मवीर योद्धाओं से डिस्कशन शुरू करेंगे। अनूप जी पहले आपसे रिक्वेस्ट, फिर मान लीजिए आपसे, गाना सोच लीजिए केशवम सुंदरम सर। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं,
कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेरशबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेरशबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। खूबसूरत अनूप जलोटा जी, और ये गाना ये भजन हमेशा मुझे दिल को छू लेता है। मान लीजिए दूसरे को सुन ही नहीं पा रहे। मान लीजिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मुझे लग रहा है फोन कट गया है मान लीजिए का, एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, अब आपकी अगली मीटिंग्स भी लगी होंगी, आप इतनी जल्दी सोते नहीं है, लेकिन आप मैं कहना चाहता हूं, आपने उम्र के बारे में बात कही स्वामी जी, बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता, आप भी उनमें से हैं जिनकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, मानेंगे मेरी ये बात? बहुत आपका शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ मेरा पूरा देश जवान रहे, और मालिनी जी नहीं आए तो उनका काम मैं कर देता हूँ, दो लाइन गा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज जो संकट है उसमें हमें हिम्मत नहीं हारनी, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का, तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, है शत्रु दंदन आ रहा चहुं दिशा में, देश की पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, ओ चक्रवर्ती विश्व जय मा त्रिभुवन हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो हिम्मत के साथ जंग लड़ेंगे और भारत जीतेगा कोरोना हारेगा। बिल्कुल, भारत जीतेगा कोरोना हारेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।